नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के कई जिलों में एनआईए ने सोमवार रात लेकर मंगलवार सुबह तक छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़, नोएडा और बुलंदशहर पहुंची, वहां संदिग्धों से पूछताछ की। एनआईए की टीम रेडर टेरर फंडिंग और आर्म्स सप्लाई नेक्सस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तस्वीर नोएडा से सामने आई है जहां, और दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से, तीसरी तस्वीर वहीं लखनऊ से है। कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में एनआईए टीम ने छापेमारी की है। खबर तस्वीर आप देख सकते हैं नोएडा से है, वहीं दूसरी तस्वीर जो है कि बुलंदशहर से है, तीसरी तस्वीर लखनऊ से है। विधानसभा सत्र आज दूसरे दिन विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। बता दें, सदन में सीएम योगी ने शोक प्रस्ताव में राहुल कोल और केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल कोल और केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। खो दिया है उनका निधन और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति। महोदय, इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व मान्य सदस्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी समेत हमारे अन्य मान्य सदस्य हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदेश को और देश को उपलब्ध करवाई। विधानसभा के युवा सदस्य श्री राल प्रकाश कोल का 2 फरवरी 2023 को लगभग 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत कम आयु में उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री राहुल प्रकाश कोल 96 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सबसे युवा विधायक के रूप में वर्ष 2017 में पहली बार चुने गए थे और वर्ष 2022 में वे पुनः दूसरी बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राहुल प्रकाश कोल की छवि एक सरल व्यक्ति के रूप में रही है। एक युवा विधायक होने के साथ साथ वे अपने क्षेत्र की जनता में बड़े लोकप्रिय थे। वे जिस समाज से आते थे उस समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। गरीब, मजदूर और वंचितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यद्यपि जिस दल से कोल निर्वाचित हुए थे वे सत्ताधारी दल के सहयोगी दल हैं, परंतु उन्होंने समाज के एक विशेष वर्ग के मध्य अपनी छवि बनाई थी और उनके मध्य वे लोकप्रिय थे। समाज के वंचित वर्गों के मध्य से जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आते हैं उनका योगदान उल्लेखनीय रहता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ऐसे राजनीतिक महानुभाव का सफल होना आवश्यक है। अतः श्री कोल के निधन से सदन को तथा प्रतिपक्ष की राजनीति को विशेष क्षति पहुंची है। बुलंदशहर के केस सिकंदराबाद में केंद्रीय जांच एजेंसी की 4 सदस्यीय टीम ने जांच के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सिकंदराबाद में टीम खोजा निवासी हथियारों के सौदागर कुर्बान अंसारी के रिश्तेदार याहिया पहलवान के घर पहुंची। बता दें कि एनआईए की टीम नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके गुर्गों पर नकेल कसने के लिए मुसलसल छापेमारी कर रही है, जबकि करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन करने के बाद टीम यहां से खाली हाथ वापस लौट गई।
पहलवान जी, आज आपके यहाँ एनआईए की टीम आई थी। हाँ जी आई है अभी। किस लिए आई थी, क्या जानकारी देकर? ये बताया नहीं उन्होंने, कहा हम थोड़ी चेकिंग वगैरह करना चाहते हैं आपके घर की। हमने कहा जी है कुछ, उन्हें ऐसी हमारे घर में कुछ है ही नहीं, कुछ उन्हें मिला। तो कितने घंटे तक लगभग? एक डेढ़ घंटे रहे वो घर के अंदर। हाँ, तो कुछ लेके गए आपके? नहीं कुछ नहीं, कोई कागज कोई कुछ भी कुछ नहीं, उन्होंने अपनी लिखत पढ़त करी बस, वो ले गए बस, खाली तलाशी ली। बस तलाशी ले गए। हाँ, तो परिवार से कुछ कहा हो कोई? ना किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी बेचारों ने। ये बताया हो किस लिए आए हैं? ना कुछ भी नहीं बताया उन्होंने ये भी हमें। एक डेढ़ घंटा आपके यहाँ रहे? बस रहे, अपनी तलाशी वगैरह करी और लौट गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकराम जुड़ेंगे। इकराम, देखा जाए एनआईए की चार टीमों ने छापेमारी की है करीब डेढ़ घंटे तक, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल मयूरी, आज सिकंदराबाद में चार सदस्यीय टीम एनआईए की पहुंची है और ये एक गैंग जो चलाते थे नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई सहित जो उनके गुर्गे थे, उन पर एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी को संदिग्ध मानकर आज बुलंदशहर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। संदेह जताया जा रहा था कि इनके कहीं ना कहीं उनसे तार जुड़े हो सकते हैं। अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की चार सदस्य टीम बुलंदशहर के सिकंदराबाद पहुंची थी, जहां एनआईए ने घर में तलाशी अभियान चलाया। एनआईए नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके गुर्गों पर नकेल कसने के लिए ये छापेमारी करने में जुटी थी। लेकिन सिकंदराबाद में देर रात तक छापेमारी और कार्रवाई के बाद बैरंगी वापस लौट गई, चूंकि यहाँ किसी भी प्रकार से उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध हथियार नहीं मिले। सबसे मेन बात ये थी कि जो खुर्जा के रहने वाले हथियारों के सौदागर कुर्बान अंसारी हैं, उनके रिश्तेदार सिकंदराबाद में रहते हैं याया पहलवान। एनआईए की टीम ने याया पहलवान के घर पर छापेमारी की थी। लगभग डेढ़ घंटे तक खोजबीन करने के बाद एनआईए की टीम यहाँ से बैरंग वापस लौट गई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकराम। कानपुर के जाजमऊ में महिला के प्लॉट पर कब्जा व आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन आरोपियों के आरोप मुक्त किए जाने की मांग को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि 24 फरवरी को आरोप तय करने के लिए फाइल पेश की जाए। बता दें कि विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। कानपुर में विधुनी थाना क्षेत्र के मझावन मिर्जापुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुराने विवाद और एक तरफ प्रेम प्रसंग में युवक ने युवती पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर मैनपुरी से है, जहां जिला कारागार में एनजीओ साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति के उपाध्यक्ष ने महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे और महिलाओं को जागरूक अभियान भी चलाया गया, जिसपे कार्यक्रम का संचालन अलका मिश्रा ने किया। आपको बता दें कि महिला जागरूकता अभियान में महिलाओं को सैनिटरी पैड और छोटे बच्चों को वस्त्र वितरण किए गए। आज जिला कारागार में साईं बाबा जन सेवा कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती सैलेंद्री जी के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को कुछ वितरण किया गया, जैसे कि सैनिटरी पैड्स हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं तथा उन बच्चों के विकास के लिए संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसकी भूमिका बनाने पर विचार किया गया कि आगे हम किस तरह से महिलाओं की और बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ महिलाओं को क्या क्या जानकारी दी गई? महिलाओं को योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई, उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, उनकी कैसे सुरक्षा हो सकती है, किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, शिक्षा के लिए भी यहाँ पर इनकी संस्था। खबर प्रयागराज से है, जहाँ उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में बाइक सवार पर हमला हो गया और ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। खबर आई बरेली से है, जहां सगे भाई ने बहन की शादी के लिए घर में रखा पैसा चुरा कर जुए में गवा दिया है, जिसके बाद मां के डांटने पर लड़के ने चूहा मार वाली दवा खा ली, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हुई। आनंद फारन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी गंभीर हालत बता रहे हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार है,
कहाँ रहते हैं और क्या हुआ है? मेरा गांव है, ग्राम सभा बरस है, गांव पूरे मतुआ है और बच्चे के बहन की शादी थी तो उसमें जो है पैसा घर में रखा था तो उसमें जो है कुछ पैसा उठा के खेल दिया जुआ, तो उसमें मम्मी ने उम्मीद डांटी है तो उसमें जो है चूहे की दवा खा लिया। कितना पैसा खेला था? 5-6 हज़ार था, तो मम्मी ने डांटी है तो वही जो चूहे मार दवा खा लिया उसी में जो है। जिला अस्पताल रायबरेली गत साल अभी एक जहर खाने का मामला क्या है? एक राहुल जायसवाल 18 साल का लड़का जो आया गया है उसमें पेरेंट्स द्वारा लाया गया है, उसके पता करने में चेक करने में ही पता चल रहा है कि वो चूहा मार दवा खाया है। अब किस लिए खाया, क्या कारण है, तो घर का कुछ मैटर हुआ उसी के लिए खाया है, बाकी उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैंने उसको भर्ती कर दिया, उसका इलाज चालू है उसका। ये बरस चौराहा लालगंज का रहने वाला है। खबर गोंडा से है जहां नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी है और कई लोगों पर जानलेवा हमला कर दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहाँ डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा नसीम नाम है, भोरी अंकल रहने वाला हूँ। मेरा नाली का मामला था कमाल और नसीम का मेरा, तो एसओ साहब कल जाके वहाँ पे दबाव बना के वो पानी निकलवा दिए, मैं उसमें सहमत हो गया, चलो पानी है गंदा तो निकल जाए, और हम लोग का स्टे चल रहा है और वो ज़बरदस्ती नाली निकालना चाहते हैं हमारे इधर से, उनका मौजूदा ज़मीन है फिर भी अपने में नहीं ले जाना चाहिए, फिर भी मैं चलो निकाल दिया पानी। उसके बाद एसओ साहब को मैं फोटोग्राफर और उनका एक सिपाही। खबर संभल से है जहां कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से बांदा के धार्मिक स्थल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई करने के साथ ही मस्जिद में हुए नुकसान की भरपाई घटना के समय मूक दर्शक बने पुलिसकर्मियों के वेतन से करने की मांग की गई है। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर बांदा में जो गुरुवार को हुई तोड़फोड़ मस्जिद के विरोध में यह महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा के नाम भेजा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों को छूट मिली हुई है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिस तरह से तोड़फोड़ करी है मस्जिद के निर्माण में, जिसका गेट का काम चल रहा था बांदा जिले के कोतवाली क्षेत्र का घटना है वो, जबकि 12 दिसंबर 2022 को वहाँ के प्रशासन ने कमेटी ने अनुमति ली हुई थी, उसके बाद भी ये प्रोग्राम करा गया, कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। और जब परमिशन हुई भी थी तो ये तोड़फोड़ क्यों की गई, और जब तोड़फोड़ की गई तो पुलिस के सामने क्यों गई। खबर कासगंज से है जहां कासगंज एक्सप्रेस की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने स्थानीय कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरी गलती। खबर औरैया से है जहां जिले के कोतवाली विधुना में रोड पर दो बाइकों के टकराने से परीक्षा देने जा रहे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि घायल को इलाज के लिए सीएससी विधुना में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? जाऊ कल्याणपुर। ये भरथना रोड पर एक बजाज एजेंसी के सामने एक मार्ग दुर्घटना बाइकों में हुई है, टकराई हैं, क्या है मामला? मैं इधर से जा रहा था, वो आगे से अचानक उसने बिना हाथ दिए इंडिकेटर दिए अचानक से बाइक अपनी मोड़ दी, इस वजह से दोनों में आपस में टक्कर हो गई। अच्छा सर, तो ये जो घायल है कौन है? घायल सत्यम है, मेरे साथ का। क्या नाम है इसका? सत्यम। सत्यम, इनके पिताजी का क्या नाम है? श्री कृष्ण। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नंगला मोहन। खबर कासगंज से है जहां कासगंज एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस।